हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल फील्ड इंजीनियर। दोस्तों सबसे पहले अपने ट्राइपॉड को सेट करें। जो इसकी तीन लेग्स हैं तीनों को ज़मीन में अच्छी तरह गाड़ दें ताकि लेवलिंग करते समय आपका ये स्टैंड बिल्कुल भी ना हिले। अब इसका दूसरा स्टेप आता है बबल सेटिंग का। जो आपकी मशीन का बबल है उसको सेट करें। दोस्तों अब मेरी मशीन सेट हो चुकी है। ये जो आप देख रहे हो नीचे, ये है बेस प्लेट जिसके सहारे मेरी मशीन खड़ी है, और ये है लेवलिंग स्क्रू जिसके ज़रिए मैं अपनी मशीन को लेवल करता हूँ। अभी इसके बाद ये जो आप देख रहे हो ये है हॉरिजॉन्टल सर्कल जिसके ज़रिए मैं किसी भी एंगल में मेज़रमेंट करना चाहूँ तो उसको मेज़र कर सकता हूँ मैं। अब ये जो देख रहे हो ये है मेरा हॉरिजॉन्टल स्क्रू। इससे अगर मैं मशीन को लेफ़्ट में लेके जाना चाहूँ या राइट में लेके जाना चाहूँ तो मेरी मशीन लेफ़्ट और राइट में जाएगी। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ये है टेलीस्कोप, इसको टेलीस्कोप बोलते हैं, और इसी के ही फ्रंट में ये मेरा ऑब्जेक्टिव लेंज है। इसके ही अपोजिट में ये जो आप देख रहे हो ये है मेरा आईपीस। मैं इसके ज़रिए अपने स्टाफ को देखता हूँ। दोस्तों ये है मेरा फोकसिंग स्क्रू जिसके ज़रिए मैं अपने स्टाफ को फोकस करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी दोस्तों रोड में एज पर साइड कैसे लेवल दिए जाते हैं, कैसे आरएल निकाले जाते हैं, मैं सारा आपको इस वीडियो में बताऊँगा। बस बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। दोस्तों यहाँ पे मेरी मशीन सेट हो चुकी है, और इसके ही फ्रंट में ये जो पेड़ दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक लड़का स्टाफ लेकर टीवीएम के ऊपर खड़ा है। अभी मैं आपको बैक साइड दिखाऊंगा मशीन के ज़रिए, मैं आपको बैक साइड दिखाऊंगा ताजो आपको भी समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों इसकी बैक साइड आ रही है 0.995। ये दिख रहा है ना आपको, जो बीच में प्लस का निशान आ रहा है, प्लस के निशान के बीच में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है, आपने इस हॉरिजॉन्टल लाइन को देखना है। ये मेरी आ रही है 0.995। दोस्तों मैंने आपको बैक साइड तो दिखा दी, अभी जो रोड में जो सेंटर का लेवल देना है वो कैसे देना है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं सेंटर की आपको रीडिंग बता रहा हूँ। सेंटर की जो मेरी लेवल की रीडिंग है वो मेरी है 1.390। ठीक है दोस्तों, 1.390 ये मेरी सेंटर की रीडिंग है। किसकी? वेटमिक स्टॉप की रीडिंग है ये मेरी। ठीक है, इस रीडिंग को मैं HI से मैनेज कर दूंगा तो मेरा RL आ जाएगा। अभी इसके अपोजिट ये जो मेरा एज का जो है पॉइंट सेंटर से जो मेरा 5 मीटर एज पे सरिया लगा हुआ है, इसकी रीडिंग आ रही है दोस्तों 1.480। वैसे इसकी 90 आनी चाहिए, मैं आपको रीडिंग दिखा रहा हूँ, सिर्फ ये 80 रीडिंग आ रही है यहाँ पे। दोस्तों मैंने आपको रीडिंग तो दिखा दी है, आपको बैक साइड भी दिखा दी है, और जो मैंने रोड के जो अपने वेटमिक स्टॉप की जो रीडिंग है मैंने आपको वो भी दिखा दी है। वो कैसे दिया है रीडिंग वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर मशीन लगाई हुई थी अपनी, ठीक है, यहाँ पर मेरी ऑटो लेवल मशीन लगी हुई थी, और मैंने यहाँ सामने यहाँ पे जो मेरा टीवीएम था इसके ऊपर मैंने स्टाफ देकर, ये मेरा स्टाफ, ठीक है, ये मेरा स्टाफ हो गया, ये मेरा ऑटो लेवल हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे लड़का खड़ा कर रखा था स्टाफ देकर, ठीक है, और ये मेरी टीवीएम की वैल्यू कितनी थी 100.00। ठीक है, मैं यहाँ लेवल मशीन से इसकी रीडिंग पढ़ रहा था। ठीक है, जब मैंने लेवल मशीन से इसकी रीडिंग पढ़ी तो मेरी कितनी आई थी 0.995। ये आई थी ना बैक साइड मेरी, ये मेरी क्या आई थी, ये मेरी बैक साइड आई थी 0.995। अब क्या किया मैंने, बैक साइड को मैंने क्या किया था, टीवीएम, ये जो मेरा टीवीएम था उसे मैं प्लस कर दिया था बैक साइड को। ठीक है, ये बैक साइड को मैंने प्लस कर दिया, मेरी कितनी आ गई थी रीडिंग 100.995। ये मेरा क्या आ गया था, ये मेरी आ गई थी HI। इतना क्लियर हो गया आपको, ये मेरी HI आ गई 100.99। ठीक है, अब मेरा ऐसे रोड था, ठीक है, ये मेरी रोड की सेंटर लेंथ थी, और ये मेरी रोड की विड्थ कितनी थी 10 मीटर। मैंने चैनीस थी मेरी यहाँ पे 33 मीटर में मैंने सरी लगा रखी थी, 30
60, 90, 120। यहाँ पे सेंटर पे सरिया था, एक एज पे सरिया था, यहाँ पे सेंटर पे सरिया था, यहाँ एज पे सरिया था। ठीक है दोस्तों, मैंने ऐसे 33 मीटर पे सरिये लगा रखे थे और ये दोनों सरिये का डिस्टेंस कितना था, 5 मीटर। इसका हाफ हो गया ना, ये रोड 10 मीटर का था, इसका हाफ 5 मीटर हो गया। मैंने यहाँ की रेटिंग कितनी पड़ी थी, 1.390। ये कैसे पड़ी थी मैं आपको बताता हूँ। मेरा जो एच आई थी, ये देखिए मैंने जो भी एच आई निकाली है मेरी कितनी है, 100.995। ठीक है, आपने क्या करना है, एच आई माइनस आर एल इज इक्वल टू आई एस। ठीक है, ये दोस्तों एच आई मेरी कितनी है, 100.995। आर एल दोस्तों मेरा दिया हुआ था 99.605। ये आपको आर एल दिए होंगे। ठीक है, मैंने इसमें से इसको माइनस किया तो मेरी रीडिंग आ गई 1.390। तो मैंने यहाँ पे स्टॉप रख के ये रीडिंग पढ़ दी। ठीक है, ये रीडिंग मैंने यहाँ पे पढ़ दी और इसके अपोजिट मैंने यहाँ की रीडिंग कितनी पढ़ी थी, 1.4। वैसे 90 आनी चाहिए थी, मैंने 80 पढ़ी थी। ठीक है, तो ये 80 कैसे पढ़ी थी, मैंने क्या किया था, ये 5 मीटर है ना, यहाँ से लेके यहाँ 5 मीटर, मैंने क्या किया था, 5 का 2%। आप 5 का 2% करोगे तो 0.1 आएगा। ठीक है, आप इसमें भी सीधा 0.1 कर दोगे तो आपका आ जाएगा 1.490। ठीक है, तो आप यहाँ पे रीडिंग पढ़ सकते हो 1.490। तो अगर इसका भी आरएल मेरे पास था, इसका आरएल था मेरा 99.515, ये मेरा आरएल था। अगर आप इस आरएल को ये मेरी एचआई से माइनस करोगे तो आपकी इसकी जो रीडिंग आएगी वो आपकी आएगी 1.480। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कितनी पढ़ी है, 1.480। आप अगर आपके पास ये सेंटर की रीडिंग आ गई है तो आप इसमें ये जो आप 5 मीटर का 2% करके प्लस कर दोगे तो आपकी यहाँ की रीडिंग आ जाएगी। लेकिन दोस्तों इसमें एक बात ध्यान और देना, मैंने क्या किया था इस वीडियो में जो आपको दिखाया था, मैंने ये जो दो सरिये काट रखे थे ना, ऐसे सरिये, तो ये मान लो मेरा बैटमिक्स टॉप है, ये मेरा बैटमिक्स है। ठीक है, ये मेरा बैटमिक्स का टॉप लेवल है। मैंने यहाँ का आपको सिर्फ लेवल दिखाया, यहाँ का आपको लेवल दिखाया, टॉप का लेवल। अगर आपको रोड के लेवल देने हैं तो आपको डिप देनी पड़ेगी। डिप का मतलब, आप अगर यहाँ पे ये वाला लेवल अगर आप यहाँ पे दोगे, मान लो ये 200 ऊपर दे दिया अपने, यहाँ से यहाँ पे 200 ऊपर दे दिया, इधर वाले भी 200 ऊपर दे दिया, तो आप लेबर वाले को बोल के यहाँ पे अगर आप सूत लगाओगे, ठीक है, और अपना जो स्टाफ की यहाँ पे डिप मारोगे ऐसे स्टाफ की, ठीक है, तो तभी ये जो इसका नीचे वाला हिस्सा ये बैटमिक्स टॉप बैटमिक्स पे लग जाएगा और ये जो मेरा 200 है ये मेरा सूते के लेवल में आ जाएगा, तो ये मेरा लेवल ओके हो जाएगा। आपको यहीं पर साइड पे ऐसे करना पड़ेगा। ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ का और यहाँ का रीडिंग आपको बता दिया। ठीक है, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, आपको दो सरिये काटने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपका लेवल यहाँ पे आ रहा है तो आपको उसमें 200 की डिप देनी पड़ेगी, वो आपकी मर्जी है, आप 200 भी दे सकते हो, 300 भी दे सकते हो। अगर आपने ये सबकी डिप देनी है, सीधा से एक सिंपल तरीका बताता हूँ, जो आपकी ये एच आई आएगी, ठीक है, मान लो ये एच आई आ गई 100.995। एच आई में आप एक काम करो, मैंने मान लो 200 की डिप देनी है, इसे मैं 200 माइनस कर दूंगा तो मेरा ये कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 795। ठीक है, 795 आ गया। अगर मैं यहाँ पे 200 माइनस करूँगा, ये यहाँ पे मैं 200 माइनस करके मेरा 795 आ गया। पहले जो मेरा लेवल यहाँ पे आ रहा था, अभी मेरा लेवल आप पढ़ोगे तो यहाँ पे आएगा, इधर वाला भी जो पहले यहाँ पे आ रहा था अभी वाला यहाँ पढ़ोगे तो यहाँ पे आएगा। ठीक है,